connect the world. We can, you're the world. We connect the world. ये हमारा ऑडियोग्राम, अभी आप सभी इससे तो काफी परिचित होंगे। तो ये ऑडियोग्राम है और कोई इस ऑडियोग्राम से वाकिफ है, क्योंकि कभी ना कहीं हमारे बच्चों का हमने ऑडियोग्राम करवाया है। तो हम देखते हैं कि ऑडियोग्राम क्या है। ऑडियोग्राम ये ऐसा ग्राफ है जिस पे जो बच्चे या हम सबसे छोटी से छोटी आवाज किस मात्रा में हम सुनते हैं, इसको यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। सो इट इज द सॉफ्टेस्ट साउंड विच वी हियर अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी रेंज। ये फ्रीक्वेंसी माने के स्तर, ध्वनि की स्तर। तो हमारे स्पीच, हमारी बोली जो है वो 200 हर्ट्ज से लेके 8000 हर्ट्ज तक होती है। इसलिए आप देखेंगे कि ऑडियोग्राम पे भी ये दर्शाया गया है। और ये जो ये वाई एक्सिस है उस पे आवाज कितनी बड़ी है वो दर्शाया जाता है। तो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे कितनी छोटी से छोटी आवाज सुन सकते हैं, ये होता है ऑडियोग्राम का इंफॉर्मेशन। सॉरी। सो नॉर्मल रेंज जो है, अगर हम एक हमारे ऑडियोग्राम किया जाए तो ये नॉर्मल रेंज है 0 to 25 dB। तो हमारा ऑडियोग्राम ये रेंज में आता है। लेकिन हमारे जो बच्चे बहरेपन वाले बच्चे हैं, उनका ऑडियोग्राम काफी नीचे होता है, ऑलमोस्ट इन सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरीज। डेफिनेटली उसमें अलग अलग डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और सीवियर टू प्रोफाउंड। आमतौर पे आप बोलते हैं कि हमारे बच्चे को 100% हियरिंग लॉस है, वो 100% शायद नहीं होगा, वो 100 decibel हियरिंग लॉस होगा, कि वो कितनी आवाज, वो कितनी लाउड आवाज वो सुन। आप ये ग्राफ देख रहे हो कि ये जो रेड लाइन है वो आपका राइट ईयर है और ये ब्लू लाइन जो है वो लेफ्ट ईयर का अनुमान लगाता है। एक दूसरी अहम बात जो हमें ऑडियोग्राम में समझनी है ये है, जो ये शेडेड हिस्सा आप देख रहे हैं वो, उसको हम बोलते हैं स्पीच बनाना। अभी आप देख रहे हो कि स्पीच बनाना में काफी साउंड्स है। ये साउंड्स क्या है कि ये उसकी सुनने की श्रृंखला में है। तो स्पीच बनाना आमतौर, जैसे अब अभी मैं जो बात कर रही हूँ, ये मेरा कॉन्वर्सेशन लेवल है, जो मैं बातचीत करने का एक लेवल है, एकदम छोटी आवाज। तो किसी को आसानी से समझने के लिए मेरी आवाज इतनी बड़ी होनी चाहिए, तो ये स्पीच बनाना में दर्शाई जाती है। तो अगर हमारी सुनने की शक्ति नॉर्मल रेंज में है तो ये स्पीच बनाना में अगर आवाज पड़ती है तो हम आसानी से ये समझ सकते हैं, सुन के समझते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जैसे आपको पता है कि उनकी जो थ्रेशोल्ड है, उसकी सुनने की शक्ति जो है वो स्पीच बनाना के काफी नीचे रहती है। तो हमें उसे कोशिश करके, जो भी श्रवण टेक्नोलॉजी, हियरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा हमें इस इनके जो थ्रेशोल्ड है, उसकी सुनने की जो शक्ति है, उनको बढ़ानी है और जितना हो सके ये नॉर्मल लेवल तक लाना है। शायद तो आपने और भी सुना होगा, आप लोग अपने बच्चों का एडेड ऑडियोग्राम करवाते हैं। एडेड ऑडियोग्राम क्या कि कोई भी, जैसे हियरिंग एड या इम्प्लांट के द्वारा बच्चा कितना सुनता है, ये हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। तो इन ये जो एडेड थ्रेशोल्ड्स के जो थ्रेशोल्ड होने चाहिए वो हमेशा स्पीच बनाना के ऊपर या स्पीच बनाना के ऊपरी भाग में, अगर यहाँ नीचे होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे को आवाज इतनी अच्छे से नहीं पहुंच रही। तो ये सब अगर आप ये ऑडियोग्राम को अच्छे से समझोगे तो आप अपने टीचर को भी अच्छे से समझा सकोगे। शायद आप लोग मुझे एक्सक्यूज करना, क्योंकि मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने बहुत सीधे सरल भाषा में कोशिश की है समझाने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बेझिझक आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर दें।